लोक सांस्कृतिक परंपराएं समूचे देश और समाज के इतिहास, सभ्यता और सांस्कृतिक गौरव की परिचायक हैं। काल के प्रवाह में इनका रूप भले थोड़ा बहुत बदल सकता है, परंतु ये अपनी अस्मिता, अपने मूल स्वर की पहचान बनाए रखती है। निश्चित ही जब भी हमें किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति व उसके इतिहास को समझना हो, ये लोक परंपराएं उसमें निश्चित ही सहायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे बीच विद्यमान डॉक्टर भगवती लाल जी राजद्रोही से निवेदन करती हूँ कि वे अपना अध्यक्ष उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय सर, समादरणीय डॉक्टर तिवारी साहब, समादरणीय डॉक्टर परिहार साहब, समादरणीय आप सब, लोक परंपरा वाचिक परंपरा में जीवित रही है। हमारे मित्रों ने उस वाचिक परंपरा के अनुसार अपनी बात बड़ी मार्मिक बातें व्यापक दृष्टिकोण से कही है। मैं लोक परंपरा का अध्येता जाता हूं, और जो अध्येता होता है वो तो चलता होता है, चल रहा है, और इसलिए वो भटकने की उसकी संभावना रहती है, इसलिए वो अपना लिखा हुआ बोलता। मेरा गांव आदिवासी गांव धार जिले का सरदारपुर तहसील का माही नदी से पूरब का, मैं उस गांव की जन्म से तस्वीर जानता हूं, और आज का जो परिवर्तन है उसकी तस्वीर भी जानता हूं। ये जो बदलाव हुआ है मेरी दृष्टि में, जो आदिवासी समाज का जो बदलाव है वो किस तरह से हुआ है, उससे हम उस समाज के स्वरूप को समझने की चेष्टा कर सकते हैं कि हम, यह ठीक है कि भाषण देने के लिए बहुत अच्छा है कि ऐसा हो, लेकिन क्या सचमुच समाज में वैसा हो रहा है, क्या समाज वैसा करेगा? क्योंकि ये कहावत है प्राचीन कि नदी का पानी और समय ये वापस लौट के नहीं आता है। तो जो समय से चल रहा है, जो बीत गया है, जो परिवर्तन हो गया है, जो हो रहा है, जो होगा, उस परिवर्तन की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए,
ये विचार हूँ। अभी भाद्रपद का शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसकी त्रयोदशी जब आएगी शुक्ल दशा शुक्ल पक्ष की, उसको हमारे मालवीय समाज में कहते हैं गाज बीज। महिलाएं उस दिन मिट्टी के दो मूर्तियां बनाती है, एक भील की और एक भीलनी की, और उनको पूजा करती है। फिर वार्ता के और गजाकड़े बनते हैं उस समय। गजाकड़ा मोटी रोटी, गेहूं की मोटी रोटी बनती है और खीर बनती है, उससे उनकी पूजा होती है। कहावत में उसमें आता है, कहानी में वार्ता में, कि भीलनी में वो जो दिया गया था उसके निमित्त जो बनी थी रोटी वो खा ली, उसकी बेटी ने भी खा ली। बेटी ने उस माता के उसमें से भी एक टुकड़ा खा लिया, तो वो बार बार माता जो है उसको याद दिलाती रहती है, बेटी मारो भटको, बट का मैंने टुकड़ा मारो टुकड़ों का क्या। तो ये कहावत बन गई मार गई। जब किसी चीज के लिए पीछे पड़ जाते हो तो मैं कहा बेटी मारो बट को चालू हुई थी। तो हमारे यहां पर उस समाज की पूजा की अस्मिता की रक्षा पूजा भाव से भी सुरक्षित है समाज में। अपने अपनी बात जो तस्वीर है उस पहचान की रक्षा हम कैसे करें उसके बारे में कुछ बातें कहता हूं। मध्य प्रदेश का बहुधा पर्वतीय क्षेत्र जनजातीय बहुल है। माही नदी के परिसर में आदिवासी भील लोग रहते हैं। माही से पूर्व में जो भील रहते हैं वे अपने आप को उजले भील कहते हैं, क्योंकि वो वस्त्र पहनते हैं पूरे जैसे किसान पहनते हैं। उनकी पोशाक मालवी किसानों जैसी होती है, धोती साफा बंडी या कमीज। स्त्रियों का पहनाव विशेष होता है, उनका काचड़े या कच्छदार घाघरा घुटनों तक होता था, अब ये पहनावे बदल गए। स्त्रियां अन्य मालवी नारियों के समान गुजराती पहनाव पहनती है, युवा पेंट भूषण पहनते। माही के पूर्व के फिलों की बस्ती गांव ग्रामों में होती है, यानी पालियों में नहीं होती है कि एक एक अपने अपने खेत पर एक एक घर बनाते हैं माही से पश्चिम में लोग, लेकिन माही के पूर्व वाले गांव में बना करते। इनके मकान पत्ते जंगली लकड़ी मिट्टी पत्थर से ये स्वयं बना लेते थे, कवेलू स्वयं बनाकर लगा लेते थे। लकड़ी के डंठलों को बांधकर फाटक बन जाता, पत्तों टाटों के छाजल भित्ती वाले सामान्य मकान, मिट्टी पत्थर की भित्ती कवेलू और पटी कपाट वाले मकान आर्थिक स्थिति बढ़कर बताती थी। अब सीमेंट कंक्रीट के मकान बनने लग गए, ये परिवर्तन होता जा रहा। वन व्यापक थे, वृक्ष वनस्पतियों की प्रचुरता के कारण वे पौधा उन पर निर्भर रहते थे। वृक्षों का उपयोग
मकान कृषि औजार तथा दैनिक वस्तुओं के लिए होता था। वृक्षों के फल ऋतुफल होते, उनसे भोजन की बहुधा आपूर्ति हो जाती थी। अब उन्हीं लोगों ने पेड़ पौधों को काट काट कर भूमि को अरण्य रहित कर दिया और खाली भूमि पर अधिकार करने की स्पर्धा आरंभ हो गई। फर्क अब वन नहीं रहा, वन्य उपज भी नहीं रही, वनस्पतियों की पहचान और औषधियों का रूप हो गया, पशुओं की चरणी भूमि भी नहीं बची। पहले अक्षय तृतीया तो बस्ती के लोग शिकार पर जाते थे, अब वन नहीं, वन प्राणी नहीं, शिकार थे। जहाँ शिकार करते उस सघन वन को अंधारो या अंधेरा बात कहते थे, क्योंकि वहाँ सघन वन था, हमेशा अंधेरा छाया रहता। अब वहाँ इक्के दुक्के पेड़ दिखाई देते, पहले शेर, बाघ, जंगली सुअर, सियार, खरगोश, वरगड़े वरगड़े यानी वृक्ष आदि से जंगल भरे रहते थे और हिंसक प्राणी बस्ती के आसपास भी आ जाते थे। अब जंगलों में खरगोश भी नहीं, वन पशुओं का रूप हो रहा, सारस, गिद्ध, तोते, कौवे, चिड़ियों के विभिन्न प्रकार बस्ती और वन में विचर रहते थे। गिद्धों का एक वटवृक्ष गिद्या बढ़ला खिलाता था, हर गांव में प्राय होता था, अब कोई गिद्ध नहीं आता हुआ। मयूरों के केका अब सुनाई नहीं देती, पक्षियों का लोप हो रहा। कृषि के औजार बनाने वाले सुतार थे, मकान भी बनाते थे, लोहार कृषि की लकड़ियों में लगने वाले लोहे की आपूर्ति करते थे। जंगल में लकड़ी नहीं होती, नहीं तो लोहे के औजार बनने लगे, मकान सीमेंट के बनने लगे, सुतारों के पास काम सीमित रह गया। लोहार का काम करके ही कृषि का मशीनीकरण होने लगा, ट्रैक्टर आने के बाद के लोहारों का काम भी सिमट गया। पारंपरिक बैलों की कृषि बंद हो गई, बैलगाड़ियाँ दुर्लभ हो गई, बैलों की उपयोगिता समाप्त हो गई, गाँव से बैलों का लोप होने लगा, देशी गायें कम दूध देती है तथा उनकी संख्या सीमित होने लग गई, पैसे बढ़ने लग गए, पारंपरिक कृषि औजारों को लोग भूल गए, सुथार लोहार उन्हें हटाना भूल गए। बरसात में ज्वाले साफे पर हस्तनिर्मित कोफन बन बांधते थे, बंसी बजाते रहते, अब न साफा न कोफन न बंसी। दशहरे से ही फसल कटाई के साथ जंगलों में वीर गीतों की विशेष धुन सुनाई देती, रात में दल बनाकर अपनी बस्ती और पड़ोस की बस्ती में वीर गाते, भेंट में मक्का के सूखे भुट्टे पाते, अब भीड़ नहीं फिल्मों की धुनें सुनाई देती। ग्राम में सन खांकरे की जड़, खजूर के थापले, बेल की पूछों के बाल कि रस्सी बरसात की झड़ी के पुरुषों के बेटे किसान बैठ कर बात बढ़ते रहते थे, बनाते रहते थे। अब सब बाजार से लाते हैं, बनाना कोई सीखता नहीं, बनाना भूल गए। रात में तंबूरे की धुन के साथ भजनों की गूंज दुर्लभ है, ढोलक हारमोनियम पर फिर भी तरह के भजन प्रचलित होते जा रहे हैं। विवाह में ढोल तो अब भी होता है, परंतु मशीनें चीखते गानों के बोलता होने लग गई। गांव में दाम, धापू, काली, सरजू, कंवरा, थाऊ, थावर, बगदा, धूला, भेरू, सोमला, वर्दा, देवा, उकेरिया, रोनू नामों का स्थान अब रीना, टीना, राकेश, दिनेश ने ले लिया। सेमल की रुई, सफेद पत्थर, लोहे का टुकड़ा साथ रहता, जहाँ चाहते उनसे आग जला ली, चकमक कहते थे उसको, चिरम पीले थे, फिर बीड़ी आई, अब भुटके आ गए, महुए के फूल गर्मी में भी जाते, फिर उनके फल या टोड़ी भी नहीं जाते। टोड़ी का तेल खाने और जलाने, दीप जलाने दोनों का काम आता था। ग्रामवासी नर नारियों के जूतों चप्पलों की आपूर्ति
ग्रामीण हो जाते थे, अपने अपने खरीद ले जाते थे, नवे बर्तना बनाए जाते थे। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनते तो हैं, परंतु उनका स्थान स्टील के बर्तनों में ले लिया। दर्जी बंडी सीमा भूल रहे हैं, सिले सिलाए कपड़े बाजार से खरीद रहे हैं, पतले चटाइयाँ घर पर ही पहले बन जाती थी, अब सब बाजार से आ रहा। पहले पैदल गोरे बैलगाड़ी से यात्रा होती, अब साइकिल भी नहीं, मोटरसाइकिल, चार पहिया, ये सब उन्नति तो हो रही है, चारों तरफ उन्नति। ट्रैक्टर का उपयोग होता है, गाड़ी गाड़ा छकड़ा, छकड़े की दो सवारी, चार सवारी का छकड़ा, सामान्य अलंकृत गाड़ियाँ, लोहार के छकड़े, अन्य कतिपय समाज के छकड़ों के आकार प्रकार विशेष और अलंकृत होते थे। जो अलंकरण कला के स्तर पर विशेष होता है, अब उनका रूप तेजी से हो रहा है। समय का बोध प्राकृतिक था, चंद्र सूर्य तारों की स्थिति से समय की पहचान होती थी। सूर्योदय एक पराना, दिन चढ़ना एक रस्सी, दिन चढ़ना फिर सिर पे सूर्य आना, फिर दिन लटक जाना, गोधूली तारे का उगना, हिरने की स्थिति, तारे का सुबह का तारे का उगना आदि से समय का बोध होता था। अब घड़ी से ज्ञान होता है, जब लोग प्रकृति से परिचय उल्टे जा रहे हैं, तारों से उनका परिचय लोग होता था। ग्राम स्वाधीन होता था, क्यों स्वावलंबी होता था, खाने पीने ओढ़ने बिछाने रोग निवारण औजार हथियार रक्षा उत्पादन लेन देन आदि सब कुछ ग्राम में ही संपन्न होता था। अब सब बाजार आधारित ग्राम जीवन में शासन का हस्तक्षेप लगभग नहीं था, अब हर काम और सुविधा शासन आधारित है। बस्ती घर घर में शासन का हस्तक्षेप, इससे जो समाज स्वावलंबी था अब शासनावलंबी हो गया। पहले वन थे, वनोपज थी, खेत कम थे, जल स्रोत कम थे, अब जो जल स्रोत बढ़े हैं, उपज बढ़ी है, भूजल स्रोत बांध आदि से विद्युत यंत्रों द्वारा सिंचाई होने लगी है, जल का दोहन बढ़ने रहने से भूजल स्तर गिरता जा रहा है। अब अधिक उपज पाने के लिए जो नए बीज तैयार हो रहे हैं, उन्हें विशेष खाद चाहिए। ये जो खाद है और ये जो बीज है वो रोगी है, रोग अधिक लगने से नई खतरनाक विशेष दवाइयाँ तैयार होती हैं। ये बीज खेत की मिट्टी विष भरी, उन्हें चुगने वाले पक्षी समाप्त हो रहे, पक्षियों की कई जातियाँ लुप्त हो रही, अब सारस और गिद्ध दिखाई नहीं देते, कौवे तोते दुर्लभ हो रहे, चिड़िया सब अब आकर घर में चिंतों के घोंसले नहीं बनाती, प्राय खेतों के विष को बरसात बहाकर नदी नालों में ले जाती है, सब प्राणी उसे पीते, पानी पीने वाले सभी प्राणी विष पान करके नीलकंठ बनते हुए रोगी बन गए। ग्राम में चुनाव दल आधारित हो गए, ग्रामों के मन में ये जो भेदभाव है दल के आधार पर ये बढ़ता जा रहा, गाँव में दल बन गए, शत्रुता बढ़ी, अपने पराये होते जा रहे, जहाँ पहले कभी कोई पुलिस का जवान नहीं आता था, अब उसी गांव में दो बात बात पर थाने पर जाने लगे, आपस में मामले की बात निपटाने की सहिष्णुता धैर्य पीछे छूटेगा, बड़े बूढ़ों वरिष्ठों के प्रति सम्मान भाव भी छींचता जा रहा है। पहले आपस में लेन देन से काम चलता था, कर्जदार भी होते थे, पर आपसी इतनी समझ होती थी कि कोई कर्जदार आत्महत्या नहीं करता था। बैंकों की कर्ज पद्धति बढ़ने के साथ आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, ये विचार है। लोग अपने गांव की भाषा में वस्तुओं के नाम या व्यवहार के नए शब्दों का उपयोग करते थे, बाजार की बहुधा वस्तुओं के नाम आज अंग्रेजी में, बीज नाम अंग्रेजी, खाद का नाम, दवाई का नाम, खेती के औजार का नाम, विद्युत यंत्रों के नाम, वाहन का नाम, वक्त का नाम, सब कुछ अंग्रेजी।
तात्पर्य यह कि बौद्ध वस्तुओं का नाम अंग्रेजी होने से जंगल के हर झोपड़ी में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी वस्तु का प्रवेश। घर घर में टीवी पहुंच रहा है। विदेशी और देशी सभ्यता से बढ़कर असभ्यता, गाँव से बढ़कर नगर का, देश से बढ़कर विदेश का प्रभाव चौके चूल्हे तक पहुंच रहा है। विकास के साथ विकार ही तेजी से देखा जा सकता है। शासन गरीबों को बहुत से वस्तुएं आजकल बिना दाम या कम दाम पर दे रही। अब जनता की वैसी आदत बनती जा रही है। आगे पीछे शासन उनके दाम देगी तो जनता में असंतोष बनेगी, असंतोष बनेगी, क्योंकि मुफ्तखोरी की आदत पर आघात सुनते हैं। आरंभ में लोगों ने चाय की पूड़ियां मुफ्त में वितरण करके चाय का प्रचार किया था। आज क्या स्थिति है सब जानते हैं। समाज का रूप बदल रहा है। प्राचीन का तेजी से रूप हो रहा है। उन वस्तुओं के साथ उनके नामों का रूप हो रहा है। उन पारंपरिक वस्तुओं के नाम के कोष और वस्तुओं कृषि यंत्रों के संग्रहालय बनाकर उनके नमूने सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अभी तो प्रयत्न करके कुछ पाए जा सकते हैं। थोड़े दिनों बाद उन पदों को जाए। हर प्राणी को सुख सुविधा अच्छी लगती, परंतु उससे पराधीनता में भी वृद्धि होती। बिना विकार के विकास नहीं हो पा रहा। विकास तेजी से हो रहा है तो विकार भी तेजी से आ जाता। गांव तेजी से नगर सुविधा संपन्न हो रहे हैं। छोटी बस्ती गांव और बड़ी बस्ती नगर होता है। पहले नगर में भी ग्राम सभ्यता के दर्शन हो सकते थे, अब ग्राम में भी नगर सभ्यता का तेजी से विकास हो रहा। तब सभ्यता जनजातीय परंपराएं कितनी और कब तक टिक पाएंगी, यह भी विचारणी। ग्राम के अपने गुण होते हैं तो अपने कोई दोष भी होते हैं। नए परिवेश में अब उनमें शहरी दोष भी आते जा रहे, अर्थात ग्राम सभ्यता में दोषों की वृद्धि हो रही है। क्या उस ओर विचार किया जा सकता है कि विकार रहित विकास हो, जनजाति समाज खूब उन्नति करे परंतु अपनी पहचान बनाए रखे। पहचान संग्रहालय की वस्तु बने उससे पहले सावधान होने की आवश्यकता है। जो चिंता शासन करे और उससे बढ़कर समाज स्वयं करे, जब तक वो स्वयं नहीं जागेगा तब तक उसकी अस्मिता का बचाव होना कठिन होगा। भाषा, खान पान, पहनावा, पर्व त्योहार, विवाह आदि संस्कार, गीत उत्सव, प्रेम उल्लास और सबसे बढ़कर आपसी सद्भाव की रक्षा होती रहे तो समाज की पहचान भी बनी रहेगी। अपने समाज की पहचान स्वयं ही बचानी पड़ती है। आशा है जनजाति समाज, जनजाति समाज युगीन प्रगति की स्पर्धा में अपनी पहचान के मार्ग भी सतत बचाते और बनाते रहेंगे। आपने मुझे समझ दिया और यह बनाया। मेरा